Hello everyone. So today in this video we are going to discuss the topic rotation of axis without changing the origin. हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर लिया था कि हम कैसे एक्सिस को रोटेट करते हैं. तो आफ्टर रोटेशन न्यू कोऑर्डिनेट एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट उनमें रिलेशन कैसा बनता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आज यही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. सो आर्टिकल इज फाइंड द कंडीशन दैट द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई in the expression ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 may be absent. For suitable rotation of axis. हाँ जी, तो ये आर्टिकल में हमने क्या डिस्कस करना है? We have to find the condition. Condition find करनी है. कैसी condition? Find the condition that the product term xy, yani this term, the product term xy in the expression this may be absent for a suitable rotation of axis. तो यहाँ पे मैं condition find करनी है कि हम axis को किस angle से rotate करें. हम rotation करते हैं ना, axis को rotate कर देते हैं through an angle theta. तो यहाँ पे मैं condition find करनी है, ये equation पे condition find करनी है कि हम axis को किस angle से rotate करें कि हमारा जो यहाँ पे जब वो रोटेशन का यूज करेंगे हम, कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट टर्म आ रहा है ये क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए. कि जो न्यू एक्सप्रेशन आएगा आफ्टर रोटेशन ये जो इक्वेशन है वो न्यू इक्वेशन में चेंज हो जाएगा. उसमें क्या चाहिए हमें, हमें एक्स वाई टर्म नहीं चाहिए, प्रोडक्ट टर्म नहीं चाहिए जिसमें एक्स वाई आ रहा हो. तो कहता है कि ऐसा हम थीटा को कौन से एंगल पे रोटेट कर दें, एक्सिस को हम कैसे कौन से एंगल पे रोटेट कर दें कि यहाँ से प्रोडक्ट टर्म जो है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए. तो हमने थीटा पे कंडीशन फाइंड करनी है कि थीटा हमें किस टाइप का चूज करना पड़ेगा. तो इसमें रोटेशन ऑफ एक्सिस में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि एलिमिनेट प्रोडक्ट टर्म फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन बाय सुटेबल रोटेशन ऑफ एक्सिस. तो हम यहाँ पे थीटा पे कंडीशन निकालेंगे कि थीटा हमें ये चूज करना चाहिए कि अगर हम थीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, हम एक्स को क्या पुट करते हैं, एक्स डैश कोस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा जब हम रोटेशन करते हैं, तो वहां पे कंडीशन आएगी कि हमें थीटा ये चूज करना चाहिए कि अगर आप ये वैल्यूज ये एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो वहां से जो न्यू इक्वेशन आएगा प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है. तो हमने थीटा पे कंडीशन फाइंड करनी है. सो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन. सो लेट द गिवन एक्सप्रेशन बी जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हमने एस मान लिया और हमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. सो से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है. ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें थीटा पे कंडीशन निकालनी है जबकि हम किस एंगल से रोटेट करें. तो मान लेते हैं लेट एक्सिस बी रोटेटेड, लेट द एक्सिस बी rotated through an angle theta by the transformation
जी, रोटेशन में हम पुट क्या करते हैं, एक्स को, एक्स को हम पुट करते हैं एक्स डैश कोस थीटा, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, प्लस वाई डैश साइन थीटा। एंड वाई को हम क्या पुट करते हैं, अगर हम थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं एक्सिस को, एक्स डैश साइन थीटा x को पुट करते हैं x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, एंड y को हम क्या पुट करते हैं x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। ठीक है, ये हमने टेबल किया था। लास्ट वीडियो में हमने टेबल डिस्कस किया था कैसे हम याद रख सकते हैं ये एक्सप्रेशन को। यहाँ पे हमने रखे थे न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स वो थे एक्स डैश वाई डैश, एंड यहाँ पे हमने रखे थे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, यहाँ वो थे एक्स वाई, और यहाँ पे हमने कोस थीटा रखा था, यहाँ पे कोस थीटा, एंड यहाँ साइन थीटा, एंड यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना। लास्ट आर्टिकल हमने जो प्रूव किया था उसमें उससे ये रिजल्ट आया था हमारे पास कि जब भी हम रोटेशन करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा तो हम एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड वाई को क्या पुट करेंगे, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो अब ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ये एक्सप्रेशन में, ठीक है। और यहाँ पे आपने बताना है ये एक्स डैश वाई डैश बेसिकली है क्या, एक्स डैश वाई डैश आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, हुज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर x कॉमा वाई, एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स होते हैं आफ्टर रोटेशन जो आएंगे, बिफोर रोटेशन वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, दीज आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन नंबर वन, वी गेट, तो यहाँ से क्या आएगा, a टाइम्स x को हमने क्या पुट करना है, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, एक्स एक्स कितना है, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड वाई का वैल्यू कितना है, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा प्लस बी वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना है, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, टू जी एक्स, एक्स का वैल्यू है एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, टू एफ वाई, वाई का वैल्यू है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा, एंड लास्ट टर्म कौन सा है, सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यानी रोटेशन के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ये जो इक्वेशन है वो ये न्यू एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन आया है वहां पे हमें एक्स वाई से रिलेटेड यानी प्रोडक्ट टर्म नहीं चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, तो पहले यहाँ से इसको सॉल्व करके प्रोडक्ट टर्म का जो कॉफिशियंट होगा वो निकाल ले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूलाज ओपन कर देते हैं, ठीक है, टोटली। तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, तो जब आप उसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टू टाइम्स एक्स डैश वाई डैश साइन थीटा कोस थीटा, राइट। ये देखो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सिमिलरली यहाँ पे ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा को एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा से। अब यहाँ पे है टू एच, और यहाँ क्या आएगा फिर, एक्स डैश स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक्स डैश वाई डैश कोस थीटा माइनस एक्स डैश वाई डैश कोस स्क्वायर थीटा आएगा ना यहाँ पे, माइनस एक्स डैश वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट में आएगा ये माइनस वाई डैश स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। ये देखो ये मल्टीप्लाई किया,
एक्स डैश स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे आएगा एक्स डैश वाई डैश कोस स्क्वायर थीटा माइनस वाई डैश एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा देन माइनस वाई डैश स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ये लिखा है हमने। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसका हमें स्क्वायर ओपन करना है, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। तो यहाँ पे है बी टाइम्स, जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स एक्स डैश वाई डैश साइन थीटा कोस थीटा। ओके, अब यहाँ पे था टू जी एक्स, टू जी एक्स और एक्स को हमने क्या पुट किया हुआ है, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। एंड यहाँ पे था फिर आगे टू एफ वाई, वाई को हमने पुट किया हुआ है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा देन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जस्ट हमने फॉर्मूलाज ओपन किया है, आफ्टर रोटेशन जो रिलेशन बना था हमारे पास एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश में, वो वैल्यूज पुट करने के बाद जो इक्वेशन आया ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन वो ये बन रहा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अब यहाँ पे हम एक्स डैश स्क्वायर का कोफिशियंट निकाल सकते हैं। एक्स डैश स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, इसके साथ टर्म कौन सी आएगी, ए कोस स्क्वायर थीटा, एक्स डैश स्क्वायर जो जो टर्म है वो हमने उठानी है यहाँ से। ठीक है, एक ये है जिसमें एक्स डैश स्क्वायर आ रहा है, एक ये टर्म है जिसमें एक्स डैश स्क्वायर आ रहा है, ये टर्म है जिसमें एक्स डैश स्क्वायर आ रहा है। ओके, सो यहाँ से आएगा ए कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना आएगा टू एच साइन थीटा कोस थीटा, एक्स डैश स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। ओके, और यहाँ से कितना आएगा b साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कोफिशियंट ऑफ x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो हमने फाइंड करना है। सो y डैश स्क्वायर एक तो यहाँ आ रहा है, एक ये टर्म में आ रहा है y डैश स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, ये थ्री टर्म से हम y डैश स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। सो y डैश स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने y डैश स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2h मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, 2h sin theta cos theta एंड यहाँ से y डैश स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा cos square theta, इसके साथ b भी आएगा, y डैश स्क्वायर हम कॉमन निकाल रहे हैं इसके साथ b आएगा। और सिमिलरली जब हमने यहाँ से y डैश स्क्वायर कॉमन निकाला था तो यहाँ पे sin square के साथ a भी आएगा, a मल्टीप्लाई में आएगा ना यहाँ पे ये। ओके, अब लिखते हैं प्रोडक्ट टर्म, एक्स डैश वाई डैश जहां से कॉमन आ रहा है वो टर्म्स हमने देखनी है। ठीक है, एक्स डैश एंड वाई डैश देखो, एक तो ये टर्म में आ रहा है एक्स डैश वाई डैश, और कहाँ पे ये पड़ा है, ये है एक्स डैश वाई डैश, एक ये है, तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी। ओके, तो देख लेते हैं प्रोडक्ट टर्म का कोफिशियंट कितना है, एक्स डैश वाई डैश का कोफिशियंट यहाँ से आ रहा है टू साइन थीटा कोस थीटा, और हमें पता है टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन टू थीटा, तो साथ में ए भी आएगा, तो यहाँ से क्या बन गया, ये हमारे पास माइनस ए साइन टू थीटा, इसको लिख दिया साइन टू थीटा माइनस पहले ही है, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली एक्स डैश वाई डैश का यहाँ पे कोफिशियंट कितना आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो साथ में ये टू एच भी मल्टीप्लाई में आएगा, सो टू एच कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश का कोफिशियंट आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये टू एच भी साथ में लिखेंगे माइनस टू एच साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से एक्स डैश वाई डैश का कोफिशियंट आ रहा है टू साइन थीटा कोस थीटा विच इज साइन टू थीटा, और साथ में ये बी मल्टीप्लाई में आएगा ना बी साइन टू थीटा। ओके, प्लस कोफिशियंट ऑफ एक्स डैश क्या होगा, एक्स डैश कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, एक्स डैश अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ से आएगा टू जी कोस थीटा प्लस टू एफ साइन थीटा, एंड वाई डैश कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है, एक तो वाई डैश यहाँ पे है और एक वाई डैश यहाँ पे है, अगर यहाँ से कॉमन निकाले वाई डैश तो कोफिशियंट क्या होगा टू एफ कोस थीटा, एंड यहाँ से वाई डैश कॉमन निकाले तो माइनस टू जी साइन थीटा, माइनस टू जी साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, अब हमें क्या करना है, हमें देखना था कि ऐसा हम थीटा कैसे कितना चूज करें कि यहां से प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट हो जाए, सो द प्रोडक्ट टर्म विल वैनिश द प्रोडक्ट टर्म विल वैनिश, वैनिश मींस वो जीरो हो जाएगा, इफ कब जीरो होगा
इस एक्सप्रेशन से अगर इसका जो कॉफिशियंट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए. द प्रोडक्ट टर्म विल वैनिश इफ दिस टर्म यानी कॉफिशियंट ऑफ एक्स डैश वाई डैश ये क्या हो जाए, जीरो. तो हम इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे. हमने लिखा ना द प्रोडक्ट टर्म विल वैनिश इफ दिस कॉफिशियंट ऑफ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू जीरो. तो हम इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे. इफ माइनस ऑफ ए साइन टू थीटा, हम ये लिख सकते हैं इफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू जीरो. तो अब यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस ऑफ ए साइन टू थीटा प्लस टू एच कोज स्क्वायर थीटा माइनस टू एच साइन स्क्वायर थीटा एंड लास्ट टर्म इज प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर वेट 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 प्लस बी साइन टू थीटा. दिस इज नॉट अ स्क्वायर, साइन टू थीटा लिखा हुआ ये. ठीक है, पी साइन टू थीटा इज इक्वल टू जीरो. अब अगर हम यहाँ से देखें साइन टू थीटा कॉमन आ रहा है, साइन टू थीटा अगर हम यहाँ से कॉमन निकाले यहाँ पे क्या आएगा, फिर बी माइनस ए. और यहाँ से हमें पता है टू एच कॉमन आ रहा है, टू एच अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो. तो हमने यहाँ पे हमने थीटा पे कंडीशन निकालनी है कि थीटा हम कैसा चूज करें. सो साइन टू थीटा बी माइनस ए प्लस टू एच, ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस टू थीटा. दिस इज कोस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं टू एच कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए साइन टू थीटा, ये टर्म को हम इधर लेके आए हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा टू एच कॉस थीटा इज इक्वल टू, इससे नेगेटिव साइन कॉमन निकालें तो ये आएगा ए माइनस बी साइन टू थीटा. नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस टू थीटा, यहाँ पे कॉस टू है, सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस टू थीटा. जब हमने यहाँ पे कॉस टू थीटा से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉस टू थीटा से कॉस टू टू थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे टू एच आ रहा है. यहाँ पे साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा इज टैन टू थीटा, और साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है ए माइनस बी, तो यहाँ से टैन टू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, टैन टू थीटा इज इक्वल टू टू एच अपॉन ए माइनस बी, ये आएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया वैल्यू. सो टू थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स टू एच अपॉन ए माइनस बी. सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय टू टैन इनवर्स टू एच अपॉन ए माइनस बी, वेयर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी. ये हमने निकाल लिया कि जब भी हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन से, जो हमें गिवन सेकेंड डिग्री इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जब भी हमें ये इक्वेशन से इस टाइप की इक्वेशन से प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट करना होगा तो हम रोटेशन का यूज करेंगे, रोटेशन का यूज करेंगे यानी एक्सिस को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा. तो वहां पे हमें थीटा क्या चूज करना पड़ेगा, थीटा पे हमने कंडीशन निकाल लिया, थीटा हम कहाँ से निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू टैन इनवर्स टू एच अपॉन ए माइनस बी, यहाँ से निकालेंगे. यहाँ पे हम एच ए बी की वैल्यूज पुट करके थीटा निकाल लेंगे, और जब थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं यहाँ पे वो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो प्रॉपर आंसर्स आ जाएंगे एक्स एंड वाई के. जब आप वो वैल्यूज एक्स और वाई की थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे पुट करोगे, आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो न्यू इक्वेशन आएगा वहां से प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट हो चुका होगा. ओके, तो ये फॉर्मूला का हमने यूज करना है. जब भी आप प्रोडक्ट टर्म को एलिमिनेट करना चाहोगे तो थीटा आपने ये फॉर्मूला की हेल्प से निकालना है. हम यहाँ पे लिखा है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो व्हाट अबाउट व्हेन ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो होगा क्या. ठीक है, वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर ए और बी इक्वल नहीं होंगे तो आप यहाँ पे देख लोगे ना इक्वेशन में, इक्वेशन इस टाइप की गिवन होगी, अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो आप थीटा की वैल्यू ये एक्सप्रेशन से निकाल लोगे यहाँ पे एच ए बी की वैल्यूज पुट करके. लेकिन अगर अगर ए और बी इक्वल है, इफ ए इज इक्वल टू बी तो क्या होगा, देन देन यहाँ पे पुट कर दें क्योंकि ये जो टोटल एक्सप्रेशन है वो यहीं से तो बना है. अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये टर्म
ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यानी हमारे पास आंसर कितना आएगा, टू एच कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी अगर ए और बी इक्वल हो गए। तो बचा क्या, टू एच कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन टू एच कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से ये टू एच जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉस टू थीटा को जीरो होना पड़ेगा। और कॉस टू थीटा जीरो कब आंसर देता है, मतलब कॉस जो है वो जीरो कब आंसर देता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पाई बाय टू के इक्वल होगा, कोस पाई बाय टू के जीरो आंसर देता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, है ना, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर। तो जब भी ए और बी की वैल्यू आपको दिखाई दे, जो गिवन इक्वेशन होगा उसमें ए और बी की वैल्यू सेम है और आपको बोला गया है कि हमें प्रोडक्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, तो आप थीटा डायरेक्टली कितना चूज कर लोगे, पाई बाय फोर। ठीक है, थीटा कितना चूज कर लोगे, पाई बाय फोर। वैसे तो आप हमेशा ये करने की भी जरूरत नहीं है, आप हमेशा इस एंगल से यहीं से निकाल सकते हो, यहाँ पे भी अगर ए और बी को इक्वल पुट कर दोगे तो मैं पता है ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी बनता है, तो ये टेन पाई बाय टू होगा, टेन पाई बाय टू आएगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट होगा, ये वन बाय टू मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पाई बाय फोर ही आएगा। लेकिन हमें फिर अगर ए और बी इक्वल है ना, तो हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि हम इतना भी सॉल्व करें, बस डायरेक्टली आप यहाँ से रिजल्ट याद रख सकते हो कि अगर ए और बी की वैल्यूज इक्वल होंगी और हमें प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट करना है, तो हम डायरेक्टली थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा पाई बाय फोर ही आएगा। ठीक है, थीटा अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ओके, तो अब देखते हैं कि ये आर्टिकल का यूज हमें क्वेश्चंस में कैसे करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -2,5 when the axes are rotated, when the axes are rotated through 30 degree, origin being unchanged and origin being unchanged. हाँ जी, क्या पूछा हमें इस क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस -2,5 व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री, थ्रू 30 डिग्री, यानी जब हम ओरिजिनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले रहे हैं, जब हम ओरिजिनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या है, -2,5, -2 हमें यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड ये वाई पॉजिटिव है, मान लो यहाँ पे है ये पॉइंट पी पॉइंट। तो वो बोल रहा है कि अगर हमने एक्सिस को 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, यानी एक्स एक्सिस हमारा यहाँ पे आ गया, ये न्यू एक्स एक्सिस है, ये न्यू एक्स एक्सिस है, न्यू एक्स एक्सिस, एंड तो वाई भी उतने ही एंगल पे शिफ्ट हो जाएगा, मान लो ये 30 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया, तो वाई पहले यहाँ पे था तो ये भी 30 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, है ना। तो अब ये पॉइंट को अगर हम इसके विद रिस्पेक्ट में देखें, न्यू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे ना, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -2,5, तो न्यू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें बताने हैं, वो हमें बताने हैं। और रोटेशन में हमने रिजल्ट किया भी था, हमने जब रोटेशन से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया था तो हमने वहां पे रिलेशन निकाला था ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स में, वो रिलेशन क्या था देखो। अब क्वेश्चन तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट है ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के, यानी x, y हैं, एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, यानी हमें x डैश y डैश की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो लेट द एक्सिस बी रोटेटेड, कितने एंगल से रोटेट किया है, 30 डिग्री से, लेट द एक्सिस बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल, थ्रू एन एंगल 30 डिग्री by the transformation
बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करने हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हुए हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमने वो टेबल लर्न किया था, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे रखे थे पॉइंट के, यानी एक्स डैश वाई डैश, एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे यहाँ पे, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे रखे थे एक्स वाई, और यहाँ पे रखा था हमने कोस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो एक्स डैश एंड वाई डैश दीज आर न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड एक्स एंड वाई आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हमने क्या करना है, हमने एक्सिस को थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट कर दिया। अब हमें पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, यानी हमें एक्स डैश एंड वाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है एक्स डैश किसके इक्वल होता है, एक्स डैश किसके इक्वल होता है, इसके पैरेलल चलते हैं हम, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यही रिलेशन निकाला था हमने, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एंड वाई डैश किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये वाई डैश के पैरेलल चल रहा है, तो यहाँ पे माइनस एक्स साइन थीटा माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा प्लस वाई कोस थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना, और ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। अब बता दो कि वेयर एक्स एंड वाई आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड एक्स डैश वाई डैश आर न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द पॉइंट दिस। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ये -2 है, और वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है, एंड थीटा हमें कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज -2, कॉस थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, वाई का वैल्यू कितना है 5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, वाई डैश का वैल्यू होगा यहाँ पे माइनस एक्स साइन थीटा, एंड एक्स की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव दी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे, 2 sin 30 degree प्लस वाई कोस थीटा, एंड वाई की वैल्यू कितनी है 5, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ये हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू -2, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, है ना, प्लस 5, साइन 30 कितना होता है 1/2, एंड वाई डैश इज इक्वल टू 2, साइन 30 कितना होता है 1/2, एंड कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, एक्स डैश कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, -√3 प्लस 5/2, है ना। तो हमारे एक्स डैश यानी न्यू कोऑर्डिनेट जो हमारा आया है, एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, यहां से निकाल लेंगे ना, 5/2 -√3, एक्स डैश आ रहा है 5/2 -√3, एंड वाई डैश कितना आ रहा है, वाई डैश आ रहा है, ये कैंसिल आउट हुआ, 1 आएगा यहाँ पे, 5√3/2 प्लस 1, राइट, 5√3/2 प्लस 1, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हमें क्या दिया गया था, एक पॉइंट दिया गया था, आफ्टर रोटेशन वो पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमें ये बताना था, जहां पे हमने एक्सिस को 30 डिग्री एंगल से रोटेट किया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें प्रोडक्ट टर्म को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, अभी जो आर्टिकल हमने किया है आज इस लेक्चर में, वो आर्टिकल का यूज करके हमने क्या करना है, प्रोडक्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so here question is, through what angle should the axis be rotated so that the mixed term may be disappear from the equation this। हमें ये equation दिया गया है कि product term को mixed term बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो कहता है कि हमें किस angle से axis को rotate करना चाहिए कि ये expression से mixed term क्या हो जाए, eliminate हो जाए, mixed term eliminate हो जाए, and also find the transformed equation। तो पहले तो हमने एंगल फाइंड करना है कि किस एंगल से रोटेट करें कि मिक्स टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो एंगल जब हमारे पास आएगा तो वो कह रहा है कि रोटेशन का यूज करके फिर वो एंगल से रोटेट कर दो एक्सिस को। आफ्टर रोटेशन ये जो इक्वेशन है वो किस इक्वेशन में ट्रांसफर होगा, वो न्यू इक्वेशन भी बताइए, आफ्टर रोटेशन ये इक्वेशन कैसा दिखेगा वो भी बताना है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड थीटा कि किस एंगल से हमें रोटेट करना है। तो हमने अभी आर्टिकल डिस्कस किया है, आर्टिकल में हमने डिस्कस किया है
ये हमें गिवन इक्वेशन दिया हुआ पहले, सो गिवन इक्वेशन इज 17x² माइनस 16xy प्लस 17y² माइनस 225 इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन इक्वेशन दिया है। नाउ कंपेयर कंपेयर इट विद, हम इसको वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं जो हमने आर्टिकल में यूज की थी, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² का कोफिशियंट कितना है, a है, यहाँ पे x² का कोफिशियंट कितना है 17, तो a की वैल्यू कितनी है 17। y² का कोफिशियंट b है और यहाँ पे y² का कोफिशियंट कितना है 17 है, एंड यहाँ पे xy का कोफिशियंट कितना है 2h, और यहाँ पे xy का कोफिशियंट कितना है माइनस 16, 2h माइनस 16, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 8। सो h आ रहा है हमारे पास माइनस 8, एंड कोफिशियंट ऑफ x यहाँ पे 2g है और यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ x है ही नहीं, तो g की वैल्यू क्या होगी 0। कोफिशियंट ऑफ y यहाँ पे 2f है, यहाँ पे y से रिलेटेड टर्म है ही नहीं, तो f कितना होगा 0 होगा। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे c है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है माइनस 225। तो हमने कंपेयर कर लिया, तो मैंने आर्टिकल में आपको बताया था यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इक्वल है ना, अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है तो हम थीटा कितना चूज करते हैं, थीटा कितना चूज करते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। सो हेयर हेयर ए इज इक्वल टू बी, सो देयर फोर हमें पता है एंगल हमें 45 डिग्री चूज करना है। सो टू रिमूव द मिक्स टर्म एक्स वाई वी रोटेट द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। अगर ए और बी की वैल्यूज इक्वल होती है, हमें आर्टिकल में क्या था, हमें एंगल कितना चूज करना पड़ेगा 45 डिग्री मिक्स टर्म को रिमूव करने के लिए, ठीक है। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी यूज करनी है हमें, हम पुट करते हैं एक्स को एक्स डैश कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 45 चूज करनी है ना, माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड वाई को हम क्या पुट कर देते हैं एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन रूट टू, बिकॉज कॉस 45 एंड साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। यहाँ पे आप 1/√2 पुट कर दोगे वैल्यूज, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन रूट टू। तो अगर हम गिवन एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू ये पुट कर देते हैं और वाई की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो आप देखोगे प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा वहां से। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन वी गेट, गिवन इक्वेशन क्या था 17 टाइम्स x², तो x x का स्क्वायर करना, यानी ये इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा x डैश माइनस y डैश अपॉन रूट टू, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे था माइनस 16 टाइम्स xy, तो x की वैल्यू कितनी है x डैश माइनस y डैश अपॉन रूट टू, y की वैल्यू कितनी है x डैश प्लस y डैश अपॉन रूट टू, और यहाँ पे था 17y², और y को हम क्या पुट कर रहे हैं x डैश प्लस y डैश अपॉन रूट टू द स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो न्यू एक्सप्रेशन आएगा वहां से ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, तो यहाँ पे आएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस ऑफ 2x - y - और अपॉन में कितना रहा होगा रूट टू का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 16, या ये है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 17, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 x - y - और अपॉन में कितना आएगा रूट टू का स्क्वायर 2 होता है माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 का हम एलसीएम चूज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 17x² प्लस 17y² 34x - y - माइनस 16x² ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्लस 16y² प्लस 17x² प्लस 17y² प्लस 34x - y - और यहाँ पे 2 का हमने एलसीएम लिया था, तो 2 ये कांस्टेंट टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा
450, ओके तो आप देख रहे हो यहाँ पे 34 एक्स डैश वाई डैश नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हो गया प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट, और बाकी का हमें सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। यहाँ पे है 17 माइनस 16 तो ये कितना आएगा 1 ना, एक्स डैश स्क्वेयर, यहाँ पे है अच्छा ये टर्म है एक्स डैश स्क्वेयर से रिलेटेड, एक ये है एक ये भी है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 17 एक्स डैश स्क्वेयर, ठीक है। वाई डैश स्क्वेयर से रिलेटेड टर्म एक ये है, एक ये है, एंड एक एक टर्म कहाँ पे आ रही है, एक टर्म आ रही है ये, ठीक है। एक आ रहा है 17 वाई डैश स्क्वेयर, 16 वाई डैश स्क्वेयर एंड 17 वाई डैश स्क्वेयर, तो ऐड कर ले इनको कितना होगा ये 17 y dash square plus 16 y dash square is 33 y dash square, और एक 17 y dash square as it is पढ़ा है, ये लिखा हमने, product term वैसे ही eliminate हो चुका है and constant term कितना है 450 is equal to 0। अगर हम इसको solve कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 18 x dash square, 33 plus 17 is 50 y dash square minus of 450 is equal to 0। तो अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा 9 एक्स डैश स्क्वायर 25 वाई डैश स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आफ्टर रोटेटिंग द एक्सिस थ्रू एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि हम किस एंगल से रोटेट करें कि हमारा प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो एंगल हमने फाइंड किया था 45 डिग्री से। तो जैसे ही हमने 45 डिग्री से रोटेट किया बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये बन रहा है और इसमें प्रोडक्ट टर्म भी नहीं है, तो प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट हो चुका है। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट करना है, तब हम रोटेशन का यूज करेंगे, और रोटेशन के लिए हमें सुटेबल थीटा चूज करना पड़ेगा। अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है तो हम थीटा 45 चूज करेंगे, हमने अभी आर्टिकल में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो हम थीटा कहाँ से फाइंड करेंगे, तो हमने आर्टिकल में वैसे किया ही था, है ना, कि अगर ए और बी की वैल्यूज इक्वल नहीं होती है तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। आप यहाँ से निकालो डायरेक्टली या फिर यहाँ पे टैन टू थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे एच और ए माइनस बी की वैल्यूज पुट करके थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।